नमस्कार दोस्तों, आज से हम देख रहे हैं सिसिलियन डिफेंस के सारे वेरिएशन। तो इसे मिस मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हर एक वेरिएशन आपको सीखने को मिलेंगे वन बाय वन सारे वेरिएशन। हालांकि सिसिलियन डिफेंस वर्ल्ड फेमस, बहुत ही पॉपुलर ओपनिंग है बहुत सालों से, और सिसिलियन डिफेंस में क्लासिकल वेरिएशन ओपन सिसिलियन, क्लोज सिसिलियन, वाइट मुरा गैम्बिट भी खेल सकता है। तो क्लोज सिसिलियन में नाइट C3 करके वाइट अटैक करता है, F3, G3 वगैरह वगैरह बहुत सारे वेरिएशन है, एक्सेलेटर है, ड्रैकन। तो सिसिलियन डिफेंस कब कैसे होता है, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है। अगर वाइट प्लेयर E4 करता है दोस्तों, तो E4 के सामने C5, दिस इज अ सिसिलियन डिफेंस। पहली मूव से सिसिलियन डिफेंस आपने शुरू कर दी है। जब भी E4 अगेंस्ट C5 होता है तो याद रखिए आप सिसिलियन डिफेंस खेल रहे हैं। यहाँ पे वाइट के कुछ रेयर मूव्स है, तो 92 जैसे कि सेकंड मूव वाइट 92 कर सकता है। बहुत सारे लोग ये ओल्ड ओपनिंग 92 सेकंड मूव में B3 कर सकते हैं, सेकंड मूव में B4 भी कर सकते हैं सेंटर ब्रेक करने के लिए। G3 ये भी एक पॉपुलर ओपनिंग है। F4 मुरा गैम्बिट स्टाइल में और क्वीन F3 करके अटैक करने का प्लानिंग। तो ये सारे वेरिएशन आपको वन बाय वन में सारे वेरिएशन दिखा दूंगा, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ पे पहले हम देखेंगे वाइट अगर 92 करता है। दोस्तों बहुत सारे वीडियो होंगे सिसिलियन डिफेंस में, बहुत सारे वीडियो बनेंगे, इसलिए वन बाय वन देखना मत भूलिए। नाइट E2 के सामने ब्लैक रिप्लाई देकर नाइट F6 आपको यहाँ E4 पॉन के ऊपर अटैक करना है। नाइट BC3 मतलब नाइट से सपोर्ट करेगा, यहाँ आप खेलना चाहते हो D5 E × D5 Nxd5 आफ्टर Nxd5 Qxd5 और फिर D4। ये एक लाइन है जिसमें वाइट ब्लैक E5 करता है, दोनों साइड से अगर पॉन टेक्स पॉन तो सिंपल Qd1 करके आप कैसल ब्रेक कर सकते हैं। वाइट रिप्लाई देगा Nc3 आफ्टर Qxd4 Bishop e3। यहाँ पे वाइट ट्राई करता है अटैक लेने का, एक पॉन सेक्रीफाइस किया और अटैक वाइट को मिलता है। यहाँ आपको करना है Qb4 B2 पे प्रेशर देना। वाइट खेलेगा Qd5, यहाँ पे Bishop e6 आफ्टर Bb5 चेक Qxb5 सिंपल आफ्टर Nxb5 और Bishop xD5। तो ये एक वेरिएशन है दोस्तों जिसमें वाइट के पास चार पीस है और यहाँ पे वाइट को एक्सचेंज मिल रहा है Nd8 से, और Nxa8 थोड़ा सा कन्फ्यूजन है क्योंकि अब नाइट को बाहर जाने की कोई जगह नहीं है, तो Rf2 यहाँ हो सकता है। सिंपल ब्लैक खेलेगा Kc8 और उसके बाद B6 और Bishop takes a8, क्यों Kc8 खेलना है। अगर आपने पहले से B6 कर दिया तो सिंपल Rd1 से बिशप को पिन करके वाइट अपर हैंड हो जाएगा। तो ये था एक Nxd2 वेरिएशन। दूसरा वेरिएशन हम देखेंगे B3 वाला, E4 C5 एंड सेकंड मूव B3 सॉरी सेकंड मूव B3 यहाँ पे रिप्लाई देना है Nc6 आफ्टर Bishop b2 E5 Bishop c4 Nf6 Nf3 Bishop d6
नाइट सी थ्री, सिंपल कैसल, वाइट भी कैसल करेगा, बिशप ई सेवन, यहाँ पे एक वेटिंग मूव है, नाइट डी फाइव और डी सिक्स। व्हाइट खेलेगा डी थ्री, रुक बी एट, आइडिया बी फाइव का, नाइट ई थ्री और यहाँ पे बी फाइव, और ये भी काफ़ी अच्छा वेरिएशन है, अच्छी पोजीशन है ब्लैक के लिए। यहाँ से आप क्वीन सी सेवन वगैरह करके काफ़ी अच्छी गेम खेल सकते हो। बी फोर ये तीसरा वेरिएशन मैं बताऊंगा, जिसमें बी थ्री के बजाय बी फोर, ई फोर सी फाइव देन बी फोर नॉट बी थ्री। यहाँ आपको पॉन ले लेना है सी इंटू बी फोर, वाइट खेलेगा ए थ्री और यहाँ आपको डी फाइव करना है, ई इंटू डी फाइव आफ्टर क्वीन टेक्स डी फाइव, नाइट एफ थ्री, ई फाइव, ए टेक्स बी फोर, बिशप टेक्स बी फोर, सी थ्री, बिशप ई सेवन, यहाँ पे नाइट को कंट्रोल करो, बिशप को भी कंट्रोल करो, नाइट ए थ्री, वाइट खेलेगा नाइट ए थ्री, सिंपल आपको नाइट एफ सिक्स कर देना है, नाइट बी फाइव, नाइट फोर की थ्रेट है, यहाँ क्वीन डी एट करना है क्योंकि नाइट ए सिक्स में रुक सेक्रीफाइस हो सकता है। तो क्वीन डी एट के बाद नाइट क्रॉस ई फाइव और यहाँ सिंपल डेवलपमेंट नाइट सी सिक्स, पॉन इक्वल हो गए और डिफेंसिव गेम है ब्लैक के लिए, सारे पीसेस डेवलप भी हो चुके हैं और कैसलिंग जल्दी से जल्दी हो जाएगा, तो ये पोजीशन भी काफ़ी बेटर है। जी थ्री वेरिएशन दिखाता हूँ दोस्तों, व्हाइट खेलेगा ई फोर सी फाइव देन जी थ्री, तो टोटल ये वेरिएशन हुआ फोर्थ नंबर। यहाँ आपको खेलना है नाइट से सिक्स, ये सारी साइड लाइन है दोस्तों, नॉट प्रोफेशनल। बिशप जी टू, यहाँ आप जी सिक्स करके ड्रैगन वेरिएशन में कन्वर्ट कर सकते हो, जी सिक्स, उसके बाद एफ फोर, बिशप जी सेवन, नाइट एफ थ्री, डी सिक्स, वाइट खेलेगा डी थ्री, यहाँ आपको सेंटर ब्रेक करना है ई फाइव करके, वाइट कैसल, नाइट जी ई सेवन, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, पॉन अगर आगे बढ़ते हैं वाइट के तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, सी थ्री, फिर कैसल कर लो, आफ्टर नाइट ए थ्री, ई क्रॉस एफ फोर, बिशप एफ फोर और डी फाइव, टोटली गेम आपकी फ्री हो गई। यहाँ पे आप यहाँ अच्छी तरह से ब्लैक से खेल सकते हो। सेकंड मूव में एफ फोर, ई फोर, सी फाइव देन एफ फोर, यहाँ आपको खेलना है डी फाइव, तुरंत ब्रेक करो सेंटर को, ये बेस्ट मूव है ब्लैक की ओर से। तो डी फाइव के बाद ई टेक्स डी फाइव, क्वीन टेक्स डी फाइव, क्वीन टेक्स डी फाइव मैं सजेशन नहीं करता हूँ यहाँ पे, ई टेक्स डी फाइव के बाद नाइट एफ सिक्स कीजिए, जैसे कि स्कैंडिनेवियन डिफेंस में हम कर रहे हैं नाइट से पॉन लेने का। वाइट खेलेगा बी बी फाइव चेक, यहाँ बिशप डी सेवन, आफ्टर बिशप टेक्स डी सेवन, क्वीन टेक्स डी सेवन, देन सी फोर और ई सिक्स, ये अटैक के लिए एक पॉन सेक्रीफाइस करके आप गेम खेल सकते हो। आफ्टर क्वीन ई टू, बिशप डी सिक्स, सिंपल डेवलप कर लो, वाइट खेलेगा डी थ्री और कैसल, और ये भी काफ़ी बेटर पोजीशन है ब्लैक के लिए दोस्तों। तो सिसिलियन डिफेंस में जो ऑड मूव है सेकंड मूव, उसके बारे में हमने आज डिस्कस कर ली। नेक्स्ट टाइम
और भी सीसी लेयर के वेरिएशन आपको वन बाय वन में देता रहूँगा। सारे वेरिएशन रेडी करो, गेम खेलते रहो। वेरिएशन कोई भी ओपनिंग रेडी करने के लिए, ओपनिंग प्रिपरेशन पक्की करने के लिए एक अच्छी बेस्ट थियरी है कि ली चेस या कोई भी ऑनलाइन चेस जो ऐप है उसमें आपको अपनी ओपनिंग बनाई हुई बुक लेके बैठना है, मूव उसमें से देख के करना है, और अगर आपको जब तक याद आता है तो बिना देखे करो, नहीं याद आता है तब आपको उसमें से मूव देख लेना है। एक दो बार मूव देख के करने के बाद वो लाइन आपको एकदम पक्की हो जाएगी। रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, लाइन प्रिपरेशन ऑलवेज गेम खेलने से ही अच्छी होती है। तो अगली बार हम सिसिलियन डिफेंस के और भी वेरिएशन देखेंगे। तो जल्द ही मिलेंगे। जय हिंद, जय गुजरात।